प्रेजिडेंट पीएनबी स्टाफ यूनियन पंजाब, डिप्टी जनरल सैकटरी पंजाब बैंक इंप्लाइज फैडरेशन और लोकल फैडरेशन का मैं प्रेजिडेंट हाँ। बजट सैशन के एक प्राइम मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी सी कि असी जो ना पब्लिक सैक्टर डिसमेंटल कर रहे हैं और जो पब्लिक सैक्टर से बैंक्स है उन्होंने दोवों बैंकों असी वी आर गोइंग टू प्राइवेटाइज पब्लिक सैक्टर बैंक्स और एक आई डी बी आई बैंक एडिशनल है असी इस जिहड़ा डिसीजन है क्योंकि असी सारे बैंक्स जिहड़े आ अज्ज प्रॉफिट च है कोई भी बैंक घाटे च नहीं हैगा सानू घाटे जे प्राइवेटाइज कर जे असी घाटे होइए असी काम ना करते होइए अज सोसाइटी इन्ना कुछ दिता और इहदियां जिहड़ियां बंगा मोदी साहब भी जाकर चाहे वह अमेरिका च गए है जिस कंट्री च गए है उत्थे जाके इन्होंने अपना झंडा चलाया कि मैं हिंदुस्तान के 50 करोड़ जनता तन तन खाता खोल लिया मैं हिंदुस्तान से सारी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा ये अटल पेंशन योजना कर रहे हैं ये उजला जो जी योजना उन्होंने शुरू कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं क्रेडिट तो आप लै रहे हैं पर यह रोल सारा जो बैंक इंप्लाइज का क्योंकि पब्लिक जी प्राइवेट सैक्टर बैंक्स है तुम देखो जनधन खाता 45 करोड़ के कोल खाता खोलिया वो 43-44 करोड़ जरा पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने खोलिया 1 करोड़ 25 लाख जरा खाता वो इस तरह प्राइवेट सैक्टर की देन से और तुम देख लो भी जिन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज जानी है वो सारी पब्लिक सैक्टर इंप्लीमेंट करता है इंप्लायमेंट जो असी जनरेट करते मैक्सीम इंप्लायमेंट अब बैंक्स हर साल बैंक जरा 25-30 हज़ार बंद रिक्रूट करता है और अज तो 8-10 साल पहला देखो बैंक्स तकरीबन लख लख बंद इंप्लायमेंट जनरेट करता है अज गवर्नमेंट और डिसमेंटल करके पब्लिक सैक्टर करके जिन्हें इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और यंगस्टर जरा यूनिवर्सिटी तो डिग्रियां लैके आता उन्होंने सारा एक इंप्लायमेंट तो जी वांझा कर रही है गवर्नमेंट की ठीक है ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि असी जरा ना उन्होंने सरकार चलती है पैसे दे नाल पर पैसे दे नाल तुसी अपना जी घाटे वाले यूनिट तो वेचो जेडे ऑलरेडी प्रॉफिट जा रहे हैं इन द शेप ऑफ डिविडेंड असी तुहानू रीपे भी कर रहे हैं करोड़ ऑफ रूपीज़ पब्लिक सैक्टर बैंक हर साल सरकार को डिविडेंड के शेप में देते वापस करते हैं और तुम उन्होंने ही जरा खा रहे हो बैंक्स में जो प्राइवेट हस्तों जे दे रहे हो और वो भी जे कोई पूरा मुल नहीं पा रहे सारे जे हर बैंक जिन्हें वैल्यूएशन करा के उस हिसाब से जी प्राइवेट सैक्टर जड़िया गवर्नमेंट जी डिसमेंटल कर रही है असी तो यह डिमांड करते हैं कि जे प्राइवेट सैक्टर बैंक उन्होंने भी स्ट्रेंथ करके उन्होंने भी पब्लिक सैक्टर से किया जाए तो कि जी सोसायटी पब्लिक सैक्टर बैंक्स जे चंगे तरीके जे जरा सर्व कर सकन मंगा साड़ी यही भी एक तो जी गवर्नमेंट की मूव है इनू जी प्राइवेटाइज द पब्लिक सैक्टर बैंक्स इनू वापस ले दूसरा जेडे इनका लै रहे असी वेरियस रिफॉर्म्स लै रहे हैं चाहे वह इंप्लाइज की पॉलिसीज़ है इंप्लाइज दिया इंडस्ट्रीज एक्ट है कोई जो फैक्ट्रीज एक्ट है जरा अपना वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उन्होंने सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं इलीगल तरीके ट्रेड यूनियन एक्ट है उन्होंने अमेंड किया जा रहा है इन्हों जो बंद किया जाए और जड़िया पब्लिक सैक्टर बैंक्स का ढांचा जरा एज इट इज़ स्टेटस मेनटेन किया जाए पब जे प्राइवेट बैंक्स है उन्होंने भी पब्लिक सैक्टर से कन्वर्ट किया जाए अगर मन अज दो दिन की अभी हड़ताल की अज तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारी सड़कों के उपर है सारा बैंक्स कोई सरकारी बैंक्स कोई नैशनलाइज बैंक्स या कोई भी ब्रांच नहीं खुली कोई जी है एक नोट इवन सिंगल इंप्लाई है जॉइंट द बैंक 10 लाख कर्मचारी अज स्ट्राइक है अगर गवर्नमेंट ने नहीं मनी साड़ी मंगा ना मनिया तो वी विल कंपेल टू गो फॉर इनडेफिनेट स्ट्राइक असी जावे सड़कों के उतरेंगे जे तुहाडे विच भी है लिखण दी इच्छा शक्ति जे तुहाडे आले दुआले भी हो रहा है कुछ गलत जे तुसी भी चाहते हो समाज च सुधार लेके आना तो सोचते की हो अज ही जुड़ो वॉइस ऑफ पंजाब दे नाल वॉइस ऑफ पंजाब नूं पंजाब दे वख-वख शहरां च पत्रकारां दी लोड़ है साडे नाल इन्हां मोबाइल नंबरां ते संपर्क करो 9816400441 9788800870 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ voiceofpunjabtv@gmail.com